इसके हृदय में प्रभु ज्योति का आलोक है, पर प्रभु को भक्ति से ही मिला जा सकता है। सब जीवों में एक परमेश्वर ही मौजूद है, जिसने स्वयं ही यह सृष्टि रचना की है। श्लोक महला दूसरा। अंधे के राह दसिए, अंधा होई से जाई, होई सुजाखा नानका, सो क्यों उजड़ पाई। अंधे एहना आखिए, जिन मुख लोयन नाह, अंधे से ही नानका, खस में गुत्थे जाह। अंधे आदमी के बताए हुए राह पर वही जाता है, जो स्वयं अंधा होता है, अर्थात मूरख ही मूरख के मार्ग पर जाता है। हे नानक, नेत्रों वाला अर्थात ज्ञानी आदमी कभी भी नहीं भटकता। जिनके चेहरे पर आंखें नहीं हैं, उन्हें अंधा नहीं कहा जाता। हे नानक, अंधे तो वही हैं जिन्हें भगवान ने कुमार्ग गामी किया हुआ है। महला दूसरा। साहिब, अंधा जो किया करे सुजाखा होई, जेहा जाने ते हो बरते, जैसौ आखे कोई, जिथे से बसत न जापई, आपे बरतौ जान, नानक ग्राहक क्यों लए, सके न बसत पछाण। ईश्वर ने जिस आदमी को स्वयं अंधा बना दिया है, वह तभी नेत्रों वाला हो सकता है यदि वह स्वयं दृष्टिवान बना दे। अंधा आदमी जैसे जानता है वैसे ही करता रहता है, चाहे 100 बार उसे समझाने का ही प्रयास किया जाए। जिसे अपने हृदय में पड़ी वस्तु का ज्ञान नहीं होता, समझ लो वह स्वयं ही अज्ञानता पर चल रहा है। हे नानक, कोई ग्राहक उस वस्तु को कैसे ले सकेगा जब वह उसे पहचान ही नहीं सकता। महला दूसरा। सो क्यों अंधा आखिए, जय हुक्म अंधा होई, नानक हुक्म न बुझई, अंधा कहिए सोई। उस आदमी को अंधा क्यों कहा जाए जो ईश्वर इच्छा से अंधा हुआ है। हे नानक, जो परमात्मा के हुक्म को नहीं समझता, उसे ही अंधा कहा जाता है। पौड़ी, काया अंदर गढ़कोट है, सब दिसंतर देसा, आपे ताड़ी लाइय है सब महापरवेशा, आपे सृष्ट साजिय आप गुप्त रखे सा, गुर सेवा ते जानिया सच प्रगटिये सा, सब किछ साचो सच है गुर सोझी पाई। पौड़ी, मानव शरीर में ही दुर्ग किला तथा सभी देश देशांतर की चीजें उपलब्ध हैं। ईश्वर ने स्वयं ही समाधि लगाई हुई है और सब जीवों में प्रवेश किया हुआ है। वह स्वयं ही सृष्टि रचना करता है और खुद को गुप्त रखता है। गुरु की सेवा करने से ही बोध होता है और वह सत्य स्वरूप प्रकट हो जाता है। गुरु ने यही सूझ दी है कि सब कुछ परम सत्य ही है। श्लोक महला पहला। सावन रात आहाड़ दिह, काम क्रोध दुई खेत, लव व्रत द्रोग व्यूहाली, राहक हेत, हल विचार विकार मन हुक्मी खट्टे खाई, नानक लेखे मंगिए आउत जनिंदा जाई। पापी इंसान के लिए सावन का महीना रात के समान है और आषाढ़ का महीना दिन के समान है। काम एवं क्रोध दोनों ही उसके लिए खेत के समान है। लालच उसके लिए विष विकार की फसल बोने के लिए उचित समय है और धोखा बोने वाला बीज है। उसके खेत में हल चलाने वाला किसान मोह है और उसका मंदा विचार ही जमीन को चलाने के लिए हल है। उसने पापों की फसल से पाप रूपी अनाज का फल इकट्ठा किया है और परमात्मा जी के हुक्म से ही फल प्राप्त करता है। हे नानक, उसके किए कर्मों का हिसाब मांगते समय ही पता चलता है कि वह जीव रूपी पिता जगत में से संतानहीन ही गया है, क्योंकि
उसने किसी पुण्य कर्म रूपी पुत्र को जन्म नहीं दिया। महला पहला, बहु भूई पवित्र पानी, सत संतोख बलेद, हल हले मी हाली चित चेता, व्रत वक्त संजोग, नाउ बीज बक्सीस बोहल, दुनिया सगल दरोग, नानक नदरी कर्म होई, जा वह सगल विजोग। धर्मी इंसान के लिए परमात्मा का डर खेत के समान है, और मन की शुद्धता फसल को देने वाले जल के समान है। सत्य एवं संतोष दो बैलों के समान है, और नम्रता हल के समान है। जिससे खेत जोता जाता है उसका चित्त हल वाहक एवं परमात्मा का सिमरण फसल बोने का उचित समय है। उसके लिए प्रभात काल प्रभु से मिलाप करवाने वाला संयोग है, और प्रभु का नाम खेत में बोने वाले बीज के समान है। परमात्मा की कृपा अनाज के समान है, और उसे सारी दुनिया ही धोखा नजर आती है। हे नानक, यदि परमात्मा की करुणा दृष्टि हो जाए तो उसके सारे वियोग दूर हो जाते हैं। पौड़ी, मन मुख मोह गुबार है, दूजे भाई बोले, दूजे भाई सदा दुख है, नित नीर विरोले, गुरमुख नाम ध्याये, मत तत कडोले, अंतर परगास घट चानना, हर लाथा टोले, आपे भरम भुलाइंदा, किछ कहन न जाई। स्वेच्छाचारी जीव के मन में मोह रूपी गुबार है, जिस कारण वह द्वैत भाव की ही बातें करता रहता है। द्वैत भाव के कारण सदा दुख ही मिलता है, और वह नित्य ही दूध के भ्रम में जल को विलोता रहता है। यदि गुरमुख बनकर नाम का ध्यान किया जाए तो मंथन करके परम तत्व प्राप्त हो जाता है। अंतर मन में प्रभु ज्योति का प्रकाश हो जाता है, और खोज कर भगवान को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर स्वयं भ्रम संशय में डालकर कुमार्ग गामी कर देता है, और इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। श्लोक महला दूसरा। नानक चिंता मत करह, चिंता तिस ही है, जल महजंत उपाय तिन्ना भी रोजी देई, ओथे हट ना चलई, ना को किरस करई, सौदा मूल न होवई, ना को लई न देई, जिया का आहार जिया खाना एह करई, बिच उपाय सायरा तिन्ना भैसार करई, नानक चिंता मत कर है, चिंता तिस ही है। नानक कहते हैं कि हे जीव, चिंता मत करो, क्योंकि सब की चिंता ईश्वर को स्वयं ही है। जो जीव उसने जल में उत्पन्न किए हैं, वह उन्हें भी भोजन देता है। वहाँ जल में ना कोई दुकान चलती है, और ना ही कोई कृषि करता है। वहाँ बिल्कुल ही कोई सौदा नहीं होता, ना ही किसी का कोई लेन देन होता है। वहाँ जीवों का आहार जीव ही बनते हैं। उसने जो जीव समुद्र में पैदा किए हैं, उनकी देखभाल भी वह स्वयं ही करता है। हे नानक, कोई चिंता मत करो, क्योंकि सब की चिंता ईश्वर को स्वयं ही है। महला पहला। नानक एह जीव मछुड़ी, जीवर तृष्णा काल, मनुआ अंधना चेतई, पड़े अचिंता जाल। नानक चित अचेत है, चिंता बांधा जाई, नदर करे जय आपणी, ता आपे लई मिलाई। हे नानक, यह जीव मछली है, और तृष्णा काल रूपी मछुआ है। अंधा अर्थात ज्ञानहीन मन भगवान को याद नहीं करता, और अकस्मात ही उसे मृत्यु का जाल आ पड़ता है। हे नानक, मनुष्य का चित्त ना समझ है, इसलिए चिंता का बंधा हुआ यह यमपुरी को जाता है। यदि भगवान अपनी करुणा दृष्टि कर दे तो वह स्वयं ही अपने साथ मिला लेता है।